मैं आज यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जिम्मेदार स्टेज है और ये बड़ा मौका है, मुनासिब मौका है। जनाब मौलाना इमरान रिजवी साहब, उन्होंने अपनी सुन्नी तबलीगी मिशन की तरफ से हुजूर मुफ्ती साहब किबला के लिए एक अवार्ड का इंतजाम किया है और इसी तरह से एक तकरीमी खिताब मुफ्ती आजम महाराष्ट्र। मुफ्ती आजम महाराष्ट्र, नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजान सरकार ताज शरिया, हुजूर कायदे मिल्लत, हुजूर मुफ्ती आजम महाराष्ट्र। ये सुन्नी तबलीगी मिशन की तरफ से और मुंबई के तमाम उलमा और फुकहा की तरफ से ये अवार्ड हुजूर महमूदुल उलमा की खिदमत में जानशीन ताजु शरिया हजरत अल्लामा असद रजा खान दामत बरकातुहुल कुदसिया के हाथों से इंशाल्लाह दिया जाएगा। और ये हिस्टोरिकल इवेंट है, आप इसे याद रखिए, रिकॉर्ड करिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सरकार ताजु शरिया, हुजूर कायदे मिल्लत, हुजूर कायदे मिल्लत, हुजूर महमूदुल उलमा, हुजूर महमूदुल उलमा, मुफ्ती आजम महाराष्ट्र। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुफ्ती साहब किबला, हुजूर कायदे मिल्लत की गुलपोशी फरमा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर कायदे मिल्लत, हुजूर कायदे मिल्लत, अब हुजूर मुफ्ती आजम महाराष्ट्र। इसी के साथ एक सेहतमंद लिफाफे का भी इंतजाम किया है तबलीगी, सुन्नी तबलीगी मिशन ने, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उसके कारिंदों को जज़ाए खैर अता फरमाए। उलमा जो खिदमत करते हैं, इस तरह से एहसास होना चाहिए। सुभान अल्लाह। और मैं अब चाहता हूँ कि हुजूर कायदे मिल्लत के जबानी इसका इसको इस्तेनाद का दर्जा दे दिया जाए। सुभान अल्लाह। गुजारिश करूंगा कि हजरत अपने ज़बान फैज़ तर्जमान से कुछ जुमले इरशाद फरमाए। फैजान सरकार ताज शरिया, मुफ्ती आजम महाराष्ट्र का खिताब दिया गया हजरत को, हजरत को एक मिनट खामोश रहो और आप सबको भी मुबारक हो। सुभान अल्लाह।